वैसे माना जाए तो हम लोग का तो ये जो धर्म हम मान रहे हैं, एक तरफ से हम लोग को इसमें इंसान यहाँ का लोगों ने हमको इससे वंचित करने का कोशिश किए हैं, वंचित रखे हैं बहुत सालों तक। अब मौका मिला है हम लोग का तो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। लेकिन सुबह उठ के देखो यहाँ बहुत लोग, महिला लोग सुबह उठ के पहुँचते हैं, लेकिन हमारी शायद कोई हमारे गांव का या हमारा टोले का कोई ऐसा सोचा होगा या किया होगा। लेकिन छठ एक बहुत बड़ा हम लोग का पूजा होता है। छठ ये वाला छठ बहुत कठिन है और हम गरीब लोग, हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग कोई भी कठिन काम करने में सक्षम हैं, पीछे नहीं हटते हैं। ये छठ जो लंबा दिन है, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और ये वाला हम लोग मानते हैं। एक लेकिन ये मेन दशहरा जो है यही है, मेन दशहरा यही है, इसी को दशहरा कहा जाता है। तो भारत यानी दू दशहरा, तो मेन दशहरा ये इसी को माना जाता है, चैती दशहरा। तो गर्मी को लेकर के जो खाएंगे पियेंगे हजम नहीं होगा बोल के बड़े लोगों ने सिस्टम चेंज कर दिया कि हम इसमें मानेगा। जैसे कार्तिक में दिन छोटा करता है पानी पीने का कम, तो वो वाला छठ लोग बहुत करते हैं, बड़े घर के लोग हैं जो छोटे वाले लोग भी करते हैं। लेकिन ये छठ जो होता है ज़्यादा कर छोटे घर जैसे, अब छोटे तो आदमी बड़ा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, मानव तो मानव है, लेकिन फिर भी हम विधि विधान या बता चुका है या बैठा चुके हैं कि हम छोटा है, वो अमीर है, गरीब है, वो जात है, वो फलाना है। लेकिन बार बार हम लोग ये कहते हैं कि ईश्वर कभी नहीं बोला कि तुम छोटा हो। या मानव जीवन में सोचने समझने बोलने का तरीका तौर तरीका संगठन बनाने का विचार करने का सक्षम है और जीवन इस तरह से सक्षम नहीं है। फिर भी हाथी भी तो अपना झुंड में रहना पसंद, हाथी भी तो अपना झुंड में रहना पसंद करता है और जानवर भी अपना झुंड में पसंद करता है, झुंड बना के चलना पसंद करता है। झुंड बनाने से यही साबित होता है कि एक एकता पर एकता एकता बल और एक सुरक्षित महसूस होता है झुंड बनाने से। तो हम भी जानवरों से सीख लेना चाहिए कि हमें भी अगर एकता और अखंडता एक झुंड बनाने से हम लोग भी सक्षम रहेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। अभी भी हमारा काफ़ी जो कमजोरी है, आज हम इस सभा पर कहने के लिए मतलब ये कि बच्चे यहाँ पर उपस्थित है इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम ये चुनाव की लहर में हम 25-40-45 गांव घूमे, सब में एक ही आवाज़ आया। मियाँ के पास गए तो उन्होंने कहा हम तो सब ठीक है सर, अपने आदमी को संभालिए, आपका आदमी एक तरफा नहीं है। यादवों के टोली में गए वहाँ भी कहा तो कहता है हम लोग तो ठीक है मांझी जी, अब अपना समाज को संभालिए क्योंकि अब समाज आपका एक तरफा नहीं है, दो गो उधर है तो तीन गो इधर जा रहा है, तो उन पर आपको समझने का विचार है। तो ये महसूस हुआ और दुख भी हुआ कि देखो कहीं भी जाते हैं हमको एक ही बात सुनने को मिल रहा है, हम इतना मतलब संगठन नहीं है, इतना हम इतना बेवफा मतलब मौजूद, हम पर विश्वास करना लोग का बहुत कम लोग विश्वास करते हैं हम लोगों पर। क्यों? कि हम लोगों का कारण है कि कोई एक बगा नहीं होता, कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। महावीर हम लोग तुलसी भी महावीर भी कहते हैं, ये बजरंग बली को ही कहते हैं हम लोग। और ये वाकई में एक हमारी समाज का ही है, जो मड़वा में जब भरते हैं लड्डू लुटाता है तो भगत भरता है हम लोग में, तो यही हलवाने जी आते हैं, इसको तुलसी वीर कहते हैं हम लोग। तो यही आता है तो मड़वा पर चढ़ता है, रुक करके चढ़ेगा और वो लड्डू जो लुटाता है मड़वा पर। तो हमारा तो एक भगत इसमें हमारा ये परंपरा में है। और ये आपको एक कहाँ का योगी जी कह दिए हैं कि हलवान दलित परिवार का है, सर्टिफिकेट उन्होंने दे ही दिया है ना जी, हल्ला हुआ बीच में कि हलवान जी जो दलित है।